नमस्कार किसान भाइयों, सयाजी सीड्स की चर्चा सब्जी की सीरीज में आपका स्वागत है। आज के वीडियो का विषय है आलू का पछेते झुलसा रोग एवं प्रबंधन। आइए देखते हैं रोग के बारे में जानकारी। संक्रमित कंद इस रोग को फैलने के लिए प्राथमिक स्रोत के रूप में काम करते हैं। रोग के फैलाव के लिए हवा में 90% से ज़्यादा नमी, दिन में 10 से 25 डिग्री सेल्सियस और रात का 10 डिग्री सेल्सियस तापमान और साथ ही बादल छाए रहने की स्थिति इस रोग के लिए सबसे ज़्यादा अनुकूल होती है। अब देखते हैं रोग के लक्षण के बारे में। रोग के लक्षण सबसे पहले पौधे की निचली पत्तियों पर दिखाई देते हैं और धीरे धीरे ऊपरी पत्तियों तक फैलते हैं। पत्तियों पर शुरुआती लक्षण हल्के हरे रंग के और पानी से भीगे हो वैसे धब्बे दिखाई देते हैं जो ज़्यादातर किनारों पर होते हैं। नम मौसम में पत्तियों पर कहीं भी धब्बे दिखाई दे सकते हैं और तेजी से बढ़कर पूरी पत्ती को काली कर देते हैं और साथ ही इस पत्ती के नीचे सफ़ेद रुई जैसी फफूंद दिखाई देती है। तने पर हल्के भूरे रंग के घाव विकसित होते हैं और बाद में तना इस संक्रमित जगह से टूट जाता है। साथ ही यह रोग कंदों में भी फैलता है जिसकी वजह से कंदों पर जामुनी रंग के साथ सख्त गड्ढे होते हैं और जंग जैसा भूरापन होता है। प्रारंभ में संक्रमित कंद कठोर होते हैं लेकिन बाद में नरम होकर सड़ने लगते हैं। इसके बाद रोग तेजी से फैलता है और पूरी फसल ऐसे जली हुई दिखाई देती है। चलिए जानते हैं रोग से बचाव के उपाय के बारे में। खेत में से बांधो और पानी के रास्तों से खरपतवार मेजबान को निकालकर नष्ट करें। संक्रमित खेतों से स्वस्थ खेतों में सिंचाई के प्रवाह को रोकें। रोग को फैलने से रोकने के लिए इनमें से कोई एक फफूंद नाशक को प्रति एक लीटर पानी में मिलाकर 10 से 15 दिन के अंतराल पर 2 से 3 बार पौधों पर छिड़काव करें। 3.5 ग्राम मेटीराम 55% और पायराक्लोस्ट्रोबिन 5.WG, 3.5 ग्राम सामोक्सानिल 8% और मैनकोजेब 64% WP, 2 मिलीलीटर एमिक्टोट्रेडिन 27% और डाइमिथेमॉर्फ 20.27% SC, 1.5 मिलीलीटर एजॉक्सोस्ट्रोबिन 11% और टेबुकोनाजोल 18.3% SC, 2.5 ग्राम फ्लुओपिकोलाइड 4.44% और फोसेटिल AL 66.67% WG, 3.75 मिलीलीटर इप्रोवेलिक्राप 5.5% और प्रोपीनेप 61.25% WP। दोस्तों, सयाजी सीड्स का ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।